नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं ये बात बताने वाला नहीं था, लेकिन अब बताता हूँ कि अमृत नगर में एक पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। आप मजाक मस्ती छोड़ दो, ये शाम को मैं जा रहा हूँ अम्मी की मेडिसिन लेने को, खाला का ये लेने को, रिलीफ वर्क, कोई रिलीफ बिलीफ का सामान मत बांटो, घर में बैठो। एक पेशेंट का अमृत नगर में आना ये धोखे का इशारा है। अभी भी धोखा नहीं समझ रहे हो तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। मैं ये बोलने वाला नहीं था, लेकिन वक्त पे बोलना पड़ेगा। और बुरा मत मानो, मेरा कोई पर्सनल कुछ नहीं है, इस शहर की मुझे चिंता है, कलवा के शहर की मुझे चिंता है, इसलिए इतने दिल से बात करता हूं। अगर आपको आपके जान की कीमत नहीं है तो किसी को क्या लेना देना है। आप आ जाओ, रस्ते पे घूमो, मजा करो। अगर मरना ही है तो दावत दे दो, बुलाओ 1000 लोगों को और खत्म करो बात। हमको यह मालूम है कि कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिल रही है, लोग मना कर रहे हैं दफनाने को, मालूम है क्या? अगर ये नहीं मालूम है, इससे भी आपको पता नहीं चलता है कि ये नाराजगी कितनी है ऊपर वाले की तरफ से, तो आपको कौन समझाएगा? आपको वो भी नहीं समझा सकेगा। ये गुस्सा है मेरे दिल का कि मैं इतना 15 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, घर में बैठो, घर में बैठो, घर में बैठो, कोई शर्म, कोई हयात। नौजवान बच्चे मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना ग्लव्स के घूम रहे हैं। अगर आज भी बात समझ में नहीं आ रही तो ये शहर को कोई नहीं बचा।